स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए वीडियो में। और आज का जो चैप्टर है वो है बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर कि जीव जनन कैसे करते हैं। देखिए, ये चैप्टर पढ़ने में थोड़ी सी शर्म तो आती है, लेकिन नो डाउट हम लोग इस चैप्टर को पढ़ें क्योंकि इससे बहुत सारा सवाल एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना तो बिल्कुल ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जीव जनन कैसे करते हैं। और जीव जनन कैसे करते हैं यह जानने से पहले हम लोग जानें कि जनन क्या है। तो देखिए, जनन क्या है सबसे पहला सवाल है। तो जनन एक प्रोसेस का नाम है, यानी एक प्रक्रिया का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं जनन। और इन्हीं प्रक्रियाओं द्वारा कोई संतान या संतति जन्म लेता है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई संतान या संतति का निर्माण होता है जनन कहलाता है। अब अगला सवाल है, यहाँ पर अगला सवाल है कि जनन क्यों जरूरी है। तो जनन इसलिए जरूरी है कि हमारा वंश कामयाब रहे। अगर हम अपने वंश को कामयाब रखना चाहते हैं तो जनन जरूरी है। अदरवाइज अपने वंश को ध्वस्त कर देना चाहते हैं, अपने वंश को खत्म कर देना चाहते हैं तो जनन जरूरी नहीं है। तो आप सोचिए थोड़ा देर के लिए कि हमारे इस दुनिया के अंदर हम और आप जो भी सजीव प्राणी दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वंशानुक्रम को कामयाब रखने के लिए जनन की प्रक्रिया किया होगा, तभी आज हम और आप दिखाई दे रहे हैं। अब जनन की प्रक्रिया सोचिए कि 10-20 साल के लिए बंद कर दिया जाए या 50 साल के लिए बंद कर दिया जाए, तो एक समय आएगा कि हम और आप कोई नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, इसलिए जनन जरूरी है। अब यहाँ पर बात है कि क्या जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक है। तो हम कहेंगे कि जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है, सिर्फ अपने वंशानुक्रम को कामयाब रखने के लिए जनन आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप जिंदा हैं तो जनन जरूरी है, अगर जनन की प्रक्रिया आपके अंदर नहीं है तो आप मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है, बस अपने वंशानुक्रम को कामयाब रखने के लिए जनन की प्रक्रिया जरूरी है। तो अब अगला टॉपिक है कि क्या जीव अपने ही जैसे संतान और संतति को उत्पन्न करते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर उत्तर होगा कि बिल्कुल कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान और संतति का निर्माण करते हैं। देखिए, इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, जानवर का बच्चा जानवर ही होगा, चिड़िया का बच्चा चिड़िया ही होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी गुण होती है जिस गुण के द्वारा उस माता पिता का अनुवांशिक गुण का माने ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, जिसके वजह से वो संतान अपने माता पिता के जैसे ही होता है। अब बात करते हैं कि उस गुण का क्या नाम है, तो वो है डीएनए। देखिए, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कोशिका। कोशिका के केंद्र में न्यूक्लियस होता है जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए जीन वगैरह पाया जाता है और उस डीएनए के अंदर 90% माता पिता का गुण होता है जो जनक से संतति में ट्रांसफर होता है, जिस वजह से वो अपने ही जैसे माने अपने ही माता पिता के जैसे वो क्या होता है, संतान या संतति पैदा होता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि जो जीवों के अंदर जो विभिन्नता देखी जाती है वो किन कारणों से देखी जाती है। तो देखिए, जो जीवों के अंदर विभिन्नता देखी जाती है ना, तो जो माता पिता से संतान या संतति के अंदर जो अनुवांशिक गुण होता है ना, उन्हीं वजहों से माने इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखी जाती है, अर्थात माने जीवों के अंदर विभिन्नता देखी जाती है। ठीक है ना, तो जो जीवों की विभिन्नता देखी जाती है वो दो तरह से देखी जाती है। ये जरूरी नहीं है कि अनुवांशिक सिर्फ अनुवांशिक गुणों के कारण ही होता है, नहीं, कुछ बाहरी समाज के कारण भी जीवों के अंदर विभिन्नता देखी जाती है। तो यहाँ हम जीवों के अंदर जो विभिन्नता है इसकी दो मोड्स हमने लिखा है, क्योंकि देखिए मान लेते हैं कि अगर किसी जनक के, ठीक है ना, अगर बच्चे जो हैं कि अगर वो मान लेते हैं कि जनक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर दो जनक मिलकर के एक संतान और संतति का निर्माण करें, जैसे मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल दोनों अगर गोरा है तो जरूरी नहीं है कि जो बच्चे पैदा होंगे वो गोरा ही होंगे, नहीं, हो सकता है कि वो काला भी हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि अगर मेल और फीमेल में अगर फीमेल का अगर बाल जो है ना अगर टेढ़ा है कर्ली है तो जरूरी नहीं है कि बच्चे का बाल सीधा ही होगा, टेढ़ा भी हो सकता है, या हो सकता है कि सीधा है तो सीधा ही बाल होगा, नहीं, हो सकता है कि बाल बच्चे का टेढ़ा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके जो दादा दादी, जो बच्चे के दादा दादी हैं, अर्थात जो मेल फीमेल के जो माता पिता हैं, उनके जो अनुवांशिक गुण हैं उस मेल फीमेल के अंदर हो और वो छिपा हो, जो बच्चे यानी संतान और संतति में वो असर दिखाई दे दिया हो, इन कारणों की वजह से कहीं हो सकता है कि बच्चा डिफरेंस हो जाए। ठीक है, तो जो डिफरेंसेस जो देखी जाती हैं यानी जीवों के अंदर जो विभिन्नता देखी जाती है वो आंतरिक गुण सूत्रों की सहायता से भी होती है, और दूसरा नंबर जो बाहरी समाज से होती है जो जीवों के अंदर विभिन्नता, वो ये होती है
कि जो बच्चा मान लीजिए कि अपने माता पिता के स्वभाव से बिलोंग करता है, जैसे मान लेते हैं कि पिताजी भी बड़े सभ्य मिजाज के हैं, मम्मी भी बड़ी सभ्य मिजाज के हैं, तो लड़का ऐसा नहीं है कि वो सभ्य मिजाज के होगा। हो सकता है समाज बहुत अजीबोगरीब हो, मार झगड़ा करने वाला हो, कुटाई पिटाई करने वाला हो, तो वो भी हो सकता है उसी टाइप का क्रिमिनल टाइप का हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है कि माता पिता अगर ऑफिशियल जॉब करने वाले हैं, बेचारा का जॉब नहीं मिला तो वो लोहार का काम करने लगा, हो सकता है कि वो थोड़ा सा हुन टाइप का हो जाए, मजबूत हो जाए। तो ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखी जा सकती है, यानी कि विभिन्नता कुछ समाज से भी होती है जो बच्चों के अंदर देखी जाती है, और विभिन्नता कुछ जन्म से ही होती है, यानी जो अनुवांशिक गुण से ही होती है जो बच्चों के अंदर देखी जाती है। अब चलिए हम लोग जो अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कि जनन। तो जनन की दो प्रक्रिया है, एक अलैंगिक और एक लैंगिक। तो अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है? तो देखिए, अलैंगिक में सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं, यानी कि कोई एक जीव अपने ही जैसे संतान और संतति का निर्माण करते हैं, लेकिन लैंगिक में ऐसा नहीं होता है। लैंगिक में दो अपोजिट जेंडर होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग समझ लें कि अलैंगिक जनन की क्रियाविधि क्या है। तो अलैंगिक जनन की जो क्रियाविधि है ना, वो यहाँ हमने लिख दिया है कि पहला जो होता है ना वो विखंडन के द्वारा होती है। अब विखंडन क्या है? तो विखंडन की वह घटना जिसमें कोई जीव दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाए, तो विभक्त होने की यह घटना विखंडन कहलाती है, और यह अलैंगिक में देखी जाती है। तो अगर विखंडन को हम दो पार्ट में करके समझाएं, तो पहला है द्विखंडन और दूसरा है बहुखंडन। तो विखंडन दो तरीके से होती है, द्विखंडन जिसमें सिर्फ दो खंड में बढ़ जाए, यानी जब जीव दो खंड में बढ़ जाए, यानी कि जब वो अपना संतान और संतति का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना, एक जीव दो भागों में विभक्त हो रहा है, तो हम कहेंगे कि द्विखंडन हो रहा है। लेकिन जब जीव एक बार में हजार बच्चे का जन्म दे दें तो उसको हम कहेंगे बहुखंडन, जो उसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, ठीक है, और द्विखंडन का एग्जाम्पल है अमीबा। अब बात करते हैं कि खंडन क्या है। तो देखिए क्या होता है ना, ये एक सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीव होते हैं, जो होता क्या है कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, फिर पहले जैसा अपने आप को विकसित कर लेते हैं, और इसका एग्जांपल हो सकता है स्पाइरोगायरा। फिर अगला टॉपिक क्या है? पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन जिसको हम लोग एक और भाषा से हम लोग कहते हैं पुनर्जनन। तो देखिए पुनर्जनन क्या है ना, कि जो पुनरुद्भवन है पुनर्जनन है, ये भी एक ऐसी प्रोसेस है कि अगर आप टांगी उठा करके इसको तीन चार टुकड़ा कर दीजिए, फिर वो पहले जैसा अपने आप को विकसित कर लेगा, और ये है इसका एग्जांपल प्लेनेरिया, ठीक है। तो प्लेनेरिया एक एग्जांपल है जो जिसके अंदर पुनरुद्भवन और पुनर्जनन की घटना देखी जाती है। उसको तीन चार टुकड़ा भी कर दीजिए ना, तो फिर होता क्या है ना कि वो पहले जैसे अगर उसका सर काट करके अलग कर दिए तो फिर अपना नीचे का जो है ना कि हिस्सा अपना विकसित कर लेगा, और नीचे वाला हिस्सा को काट करके अलग कर दिए तो अपना सर का विकसित कर लेगा, यानी कि उसको तीन चार टुकड़ा भी कर दो ना तो फिर पहले जैसा अपने आप को विकसित कर लेगा। अब बात करते हैं कि मुकुलन क्या है। तो मुकुलन भी एक ऐसा क्रियाविधि है जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। मुकुलन की घटना हाइड्रा में देखी जाती है। हाइड्रा एक ऐसा जीव है कि वो अपने कायिक भाग से, यानी अपने शरीर के किसी एक भाग से, किसी भी भाग से, मतलब पहले क्या होगा कि जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हाइड्रा हम यहाँ पर बना दें, तो यहाँ हाइड्रा अगर है तो यहाँ से एक छोटा सा भाग बाहर निकलेगा, यानी इसके शरीर से, यानी इसके काया से छोटा सा एक भाग बाहर निकलेगा, और दिन प्रतिदिन बड़ा होकर के ये क्या होगा कि एक समय आएगा कि ये फिर अपने आप को अलग विकसित कर लेगा। तो ये जो घटना है ना इसको कहते हैं मुकुलन, और मुकुलन की घटना हाइड्रा में होती है जो अपने कायिक भाग से एक नए, ठीक है ना, जीव का निर्माण करता है। अब अगला है टॉपिक कायिक प्रवर्धन, जो पौधों में देखी जाती है, और कायिक प्रवर्धन एक व्यवस्था है, ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन क्या है? एक व्यवस्था है जो पौधों में देखी जाती है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पौधे क्या करते हैं ना, अपने आप को, ठीक है ना, अपने ही जैसे पेड़ पौधे का निर्माण कराने के लिए, ठीक है ना, तीन तरह से निर्माण कराते हैं, अपने कायिक भाग के जड़, तना और पत्तियों द्वारा अपने ही जैसे पौधे का निर्माण करते हैं। जैसे कि जड़ का एक एग्जांपल हमने लिख दिया है डायलिया, एक पेड़ है, ठीक है ना, जो क्या करता है ना अपने जड़ द्वारा, ठीक है ना, एक नए पौधे का निर्माण कर देता है। ठीक, कायिक भाग का दूसरा हमने भाग लिख दिया है तना, जो गुलाब के एक तना को काट करके दूसरे जगह लगा दीजिए तो फिर गुलाब हो जाएगा। फिर पत्तियों द्वारा ब्रायोफिलम है, ठीक है ना, जो ब्रायोफिलम के जो पत्तियां होती है ना, ये एक ऐसा पेड़ है जो पत्तियां अगर जमीन में सड़ जाए तो फिर एक नए पौधा अपना उसी तरीके से विकसित कर लेगा। तो यहां तक हो गया आपका अलैंगिक जनन की सारी क्रियाविधि, और अलैंगिक जनन क्या है और उनकी सारी क्रियाविधि। अब हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं कि लैंगिक जनन क्या है और उनकी क्रियाविधि क्या है। तब तक लीजिए यहां तक स्क्रीनशॉट।
तो चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो देखिए लैंगिक जनन में दो अपोजिट जेंडर आपस में भाग लेकर के अपने ही जैसे संतान और संतति का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए पौधों में जो हम लोगों ने अलैंगिक जनन पढ़ा उसमें अलैंगिक जनन की क्रिया विधि क्या थी कि वो अपने कायिक भाग से अपने जैसे पौधे का निर्माण कर रहा था, जैसे जड़ द्वारा, तने द्वारा और पत्तियों द्वारा। लेकिन इस बार जो हम लोग पौधों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे वो पौधों में जो लैंगिक जनन की क्रिया विधि होगी वो बीज या फूल द्वारा होती है, ठीक है ना। तो पौधों में लैंगिक जनन बीज और फूल द्वारा होती है। अब यहां हमने एक पुष्प का ऑलरेडी संरचना बना दिया है और यहां पर समझ जाइए कि जो इसका जो ये बीच वाला जो है ना, ये वाला जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र, और इसका जो ये पाइप दिख रहा है, ये जो डंडा दिख रहा है इसको कहते हैं वर्तिका, और जस्ट नीचे आ करके जो नीचे वाला हिस्सा होता है थैलेनुमा, वो इसमें क्या होता है ना कि अंडा, यानी इसमें जो वर्तिकाग्र से वर्तिका से होते हुए जो अंडा जाता है, ठीक है ना, वो क्या होता है ना कि इसी अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है जिसको हम लोग कहते हैं अंडाशय, और यहीं पर निषेचन की घटना होती है। उसके बाद से जो उसके बगल वाला जो होता है ना, ये तो इसी के जस्ट कॉपीराइट होते हैं, यानी उसी का डुप्लीकेट संरचना होती है, लेकिन इसके जैसा नहीं होते हैं। लेकिन उसके जो बगल वाला जो हिस्सा होता है ना, ये जो डंडा दिखाई दे रहा है और ये जो छोटा सा है, इसको डिजाइन नहीं समझेंगे, इसको कहते हैं पराग कोश। और इसके जो ये डंडा है, ये जो इस डंडा को हम लोग तंतु बोलते हैं, ठीक है ना, स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बाहर वाला जो फूल के अंदर आप देखे होंगे फूल में कि बहुत सारे रंग बिरंगे जो मतलब पत्तियां होती हैं उसको हम लोग कहते हैं दलपुंज, ठीक है ना। और जो उसके नीचे जो ग्रीन लीफी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं बाराहा दल, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस भाग को हम अंडकोशिका कहते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि वर्तिकाग्र, ये जो वर्तिकाग्र है और वर्तिका और ये अंडाशय, ये तीनों को मिला करके हम स्त्री केसर नाम देते हैं, और इस स्त्री केसर को हम जयांग भी कहते हैं, अर्थात मादा जननांग है, ठीक है ना। देखिए लैंगिक जनन में तो दो अपोजिट जेंडर की तो जरूरत होती ही है अपने ही जैसा संतान और संतति को निर्माण करने के लिए। तो यहाँ पर जो मादा जननांग है वो है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, और स्त्री केसर भी कह सकते हैं तीनों को मिला करके, या फिर इसको जयांग भी कह सकते हैं, ये मादा जननांग है, ठीक है। अब जो नर जननांग होते हैं वो पराग कोश और तंतु, यानी ये जो पराग कोश है, ठीक है ना, और ये जो तंतु है, ये जो डंडा है, ये पराग कोश और तंतु को मिलाकर के पुंकेसर बनता है, और इस पुंकेसर का एक और नाम है पुमंग, जिसको नर जननांग कहते हैं। अब याद करने की क्या ट्रिक है, स्त्री से स्त्री केसर इसको हम कहेंगे मादा जननांग, और पुरुष से पुंग केसर इसको कहेंगे नर जननांग, ठीक है ना। स्त्री केसर को हम जयांग भी बोलते हैं और पुंग केसर को हम पुमंग भी बोलते हैं। अब देखिए यहां पर होता क्या है, यहां पर जो पराग कोश होते हैं ना, इस पराग कोश के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, जो ये कण क्या होते हैं ना कि किसी कारणवश इसके छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, ये वर्तिकाग्र पर आकर बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद, ठीक है ना, ये धीरे से इस वर्तिका के माध्यम से नीचे चले जाते हैं, और नीचे जाने के बाद अंडाशय में चला जाता है, यानी अंड कोशिका में चला जाता है, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ अंडाशय के साथ निषेचन की घटना होती है, और निषेचन की घटना वह घटना होती है जहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल करके, ठीक है ना, एक नए संतान और संतति का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि पौधा है, तो पौधों में क्या होता है ना कि ये जो है ना पराग कोश, यानी पराग कोश के अंदर जो पराग कण होते हैं, ये पराग कण जाते हैं नीचे, ठीक है ना, और अंड कोशिका में जा करके यहाँ पर निषेचन की घटना के द्वारा एक नए पुष्प का निर्माण करा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हो गई ये बात समझ में आ गई। अब है एकलिंगी पुष्प, तो एकलिंगी पुष्प हम उसे कहते हैं जिसमें जिस पुष्प के अंदर या तो स्त्री केसर हो या तो पुंग केसर हो, यानी कि मादा जननांग हो या नर जननांग, यानी किसी भी माने मेल फीमेल का किसी एक अगर अंग देखा जाए, यानी एक जैसे वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय मिला करके स्त्री केसर हो गया, पराग कोश तंतु मिला करके पुंग केसर हो गया, तो हम इसको स्त्री केसर कहते हैं, इसको पुंग केसर। तो या तो एक लिंगी में या तो कोई एक लिंग होता है, या तो कोई स्त्री केसर होगा या तो पुंग केसर होगा। तो स्त्री केसर हो या पुंग केसर हो, हम कहते हैं एकलिंगी पुष्प। लेकिन अब एकलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या हो सकता है, पपीता, तरबूज। अब यहां उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, तो उभयलिंगी पुष्प में
दोनों तरह के लिंग पाए जाते हैं, जैसे कि स्त्री केसर और पुंग केसर, ठीक है ना। तो दोनों अगर तरह के अगर लिंग पाए जा रहे हैं स्त्री केसर और पुंग केसर, तो हम कहेंगे उभयलिंगी पुष्प, जैसे कि गुड़हल है और सरसों है। अब बात करते हैं कि ये जो घटना होती है, जैसे कि जो पराग कोष से पराग कण निकल करके वर्तिकाग्र पर जाता है, ट्रांसफर होता है यहाँ, तो ये दो वजहों से होते हैं, यानी इन ट्रांसफर होने की घटना स्थानांतरण कहलाती है, अर्थात ये दो तरह से स्थानांतरण होती है। पहला को कहते हैं स्वपरागण। स्वपरागण मतलब अगर हवा या आंधी तूफान या कुछ भी अगर हुआ, ठीक है ना, तो ये क्या होगा ना कि ये जो है पराग कोष आपस में लड़, माने इस वर्तिकाग्र से लड़ करके, और इसमें जो छोटे छोटे कण है ये इस पर आकर के बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा ना, यहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो अपने में ले करके, ठीक है ना, इस चीज को अवशोषित कर लेता है, और ये जो कण है वो नीचे अंडकोश में चला जाता है और यहां पर निषेचन की घटना हो जाती है। तो इसको कहते हैं स्वपरागण। लेकिन परपरागण में कौन सी घटना देखने को मिलती है कि ये जो ऑलरेडी पुष्प है, सेम इसी तरीके का एक और जगह कहीं पुष्प होगा जो या तो किसी चिड़ियों या फिर किसी मतलब किसी भी जानवर के द्वारा, होता यह है कि वहां से इसी तरह का जो पराग कोष के अंदर मौजूद जो पराग कण होते हैं, वो जैसे तितली वगैरह होती है, तो तितली जो होती है ना उस पर बैठती है। तो मान लीजिए कि कहीं इसी तरह का फूल एक जगह और है, तो इस पर बैठती है, और बैठने के बाद उसके शरीर में ये पराग कण बैठ जाते हैं। जैसे कि आप लोग कभी फूल को देखे होंगे, मतलब तो वो कलर हाथ में लग जाता है, तो वही पराग कण है। तो उस वो परागण क्या होता है ना कि उस तितली के शरीर में चिपक जाता है, और वो फिर तितली यहाँ आकर के बैठ जाती है, तो वो परागण इस वर्तिकाग्र में आकर के चिपक जाता है, और चिपकने के बाद फिर वो वर्तिका के माध्यम से अंडकोश में चला जाता है, और फिर वहां निषेचन की घटना होती है, फिर नए पुष्प का निर्माण हो जाता है। तो इस घटना को हम कहते हैं परपरागण। जो अगला टॉपिक है वो है मानव में लैंगिक जनन, अर्थात इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं मानव में लैंगिक जनन की क्रियाविधि क्या है। मानव में लैंगिक जनन के लिए दो अपोजिट जेंडर की जरूरत होती है, जैसे कि एक तरफ मेल और दूसरी तरफ फीमेल। अब हमें संतान और संतति का जन्म दिलाने के लिए, अर्थात नए संतान और संतति का उत्पन्न कराने के लिए, हम क्या करते हैं कि एक तरफ मेल और दूसरे तरफ फीमेल को रख करके, और तब समझते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो अपोजिट जेंडर भाग लेते हैं, तब जाकर के अपने जैसे संतान और संतति का निर्माण करते हैं। तो चलिए, एक तरफ है मेल और दूसरी तरफ है फीमेल। तो मेल को हिंदी में कहते हैं पुरुष या नर, और फीमेल को हिंदी में कहते हैं स्त्री या फिर मादा। अब देखिए, मेल जो होता है ना वो उसके जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है ना, या फीमेल जो होते हैं ना जो उनके अंडाणु होते हैं, ये उनके अंदर जो क्रोमोसोम होती है, उनके अंदर जो गुण होती है ना, गुणसूत्र होती है, वो 23 जोड़ा क्रोमोसोम से मिलकर बने होते हैं, अर्थात n बराबर 23 तो 2n बराबर 46, ठीक है ना, यानी n बराबर 23 तो 2n इक्वल टू होता है 46। अब यहाँ पर मेल का, ठीक है ना, जो शुक्राणु है और फीमेल का जो अंडाणु है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद क्या करते हैं, एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, अर्थात युग्मनस का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, नर ने नर युग्मक क्रिएट किया और मादा ने मादा युग्मक क्रिएट किया, और नर युग्मक को हम कहते हैं अपनी देसी भाषा में शुक्राणु, और मादा को कहते हैं अंडाणु। अब ये शुक्राणु और अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन या फिर संगलन कहलाता है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं ना, तो उन लोगों के बीच एक फ्यूजन की घटना होती है, अर्थात वो आपस में मिलते हैं, और मिलते हैं तो उस घटना का नाम हम देते हैं युग्मनज, या फिर हम कहते हैं संगलन, या फिर कहते हैं कि यहाँ पर एक घटना हुई है जिस घटना का नाम है निषेचन। तो निषेचन की वह घटना जिसमें शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, ये दोनों आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं, जाइगोट अर्थात युग्मनज का निर्माण करते हैं, और एक फिक्स समय के बाद, एक समय अनुसार भ्रूण का निर्माण होता है, और ठीक 9 महीने बाद एक संतान या संतति का जन्म होता है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जो शुक्राणु होते हैं, वो शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है ना, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, इसलिए हमने लिख दिया आकार में बहुत छोटे होते हैं, अर्थात ये चलनशील होते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं, और ये क्या होते हैं, बहुत चलनशील होते हैं, और ये जो होते हैं ना, इनका जो आकार है कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन मादा युग्मक अर्थात अंडाणु की बात करें, तो ये फीमेल
कि गर्भाशय से उत्पन्न होने वाला आकार में बहुत बड़ा होता है लेकिन ये स्थिर होता है, ये चलनशील होता है लेकिन ये स्थिर होता है, और इसी स्थिरता में ये चल करके ये जो शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, और ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद जाइगोड अर्थात युग्मनस का निर्माण करते हैं, यानी वहाँ पर एक संगलन और निषेचन की घटना होती है, और तब जाकर के कुछ दिन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है और फिर संतान और संतति का उत्पन्न होता है। और इनका जो अंडाणु है वो अंडाणु का संरचना कुछ इस तरीके से होती है, देख लीजिए। तो ये रहा आपका मानव में लैंगिक जनन की क्रियाविधि। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।